मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। दरअसल एक लैक्मे एकेडमी पूरा प्रकरण था जिसको लेकर शिकायत की गई थी। यहाँ पर वो छात्र हैं जिनके द्वारा शिकायत की गई थी। जी, क्या नाम है और क्या पूरा प्रकरण है ये? लैक्मे एकेडमी मुरादाबाद से हम लोग कोर्स कर रहे थे, स्किन एंड हेयर का कोर्स कर रहे थे, कुछ बच्चे मेकअप का कोर्स कर रहे थे। तो उसको लेके यहाँ पे हमें बोला गया था कि प्रैक्टिकल वर्क ज़्यादा होता है वैसे, लेकिन उन्होंने बोला था कि थ्योरी वर्क भी थोड़ा बहुत किया जाएगा। तो थ्योरी के नाम पर हमें यहाँ पे धर्म परिवर्तन की चीज़ें सिखाई जा रही थी। धर्म परिवर्तन का मुद्दा बताया जा रहा था कि क्या कहते हैं, आप कैसे हिंदू से मुस्लिम बन सकते हैं, ये सारी चीज़ों के लिए हमारा ब्रेन वॉश किया जा रहा था। एक हद तक हमारा पूरा ब्रेन वॉश हो गया था। हम लोग इस्लाम धर्म को लेके इच्छुक होने लगे थे कि क्या क्या खूबियाँ हैं। इन्होंने हमें बोला था खूबियाँ जानो इसकी। जब वहाँ पे मुस्लिम बच्चे नमाज पढ़ते थे, हम लोग उन्हें बैठ के देखते थे कि कैसे पढ़ते हैं। ये बोलती थी कि तुम्हारी पूजा तो दो बार की जाती है सुबह शाम, हमारे यहाँ तो नमाज 3-5 टाइम पढ़ी जाती है, उसको समझो। और क्या कहते हैं, अगर तुम इस्लाम धर्म कबूल करते हो तो तुम्हें आगे बहुत ज़्यादा फायदा भी मिलेगा उस चीज़ को लेकर। आज गिरफ्तारी हुई है, पुलिस ने गिरफ्तारी करी है, क्या कुछ कहना है उसके लिए? हम अभी हमें संतुष्टि है कि हाँ, यहाँ से एक्शन हुआ है। आगे जो भी कोर्ट फैसला लेता है, हमें तो ये एकेडमी बंद चाहिए बिल्कुल। आगे हमारे साथ हो रहा है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है, और हमें हमारी फीस वापस चाहिए। हम यहाँ पे इतने गरीब बच्चे हैं, लाखों रुपये यहाँ पे देके बैठे हुए हैं। क्या शिकायत की गई थी, क्या पूरा प्रकरण? जब मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया था, जो चीज़ें मुझे पहले बताई गई थी कि हाँ, यहाँ पे हम ऐसे पढ़ाई कराते हैं या ऐसे हम प्रैक्टिकल्स कराते हैं, ऐसे यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे पढ़ाई के नाम पे हमें धर्म परिवर्तन की ओर ले जाया जा रहा था। जब ये मास्टर क्लास लेती थी तो हमें अपने इस्लाम धर्म के बारे में बताती थी, और ये नॉनवेज भी खाती थी वहाँ पर। तो हम जब मना करते थे तो हमारे टीका लगाना और कलावे पहनने पर भी रोक लगाती थी। इसको लेकर शिकायत की है, वही करी है पुलिस ने। पुलिस को लेकर जिस तरीके से मुरादाबाद पुलिस ने काम करा, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? हम इनका धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने हमारा साथ दिया। और जी मैम, एक शिकायत की गई थी 6 छात्रों के द्वारा, क्या पूरा प्रकरण था, आज कार्रवाई हुई है उसमें? जिनके खिलाफ आपकी शिकायत की थी उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ कहेंगी? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये पुलिस ने हमारा साथ दिया है, हमें इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा लगा है। हमारा जो केस था उसके लिए जल्द से जल्द डिसीजन लिया गया है, और ये जो भी है अब आगे से ऐसा ना हो, शायद किसी के साथ आगे ऐसा ना हो। हाँ, किसी और बच्चे के साथ ऐसा ना हो। यही हम थोड़े अच्छे बड़ी उम्र के लोग थे तो हम समझ गए। वैसे तो हमारा माइंड भी थोड़ा इधर हो गया था, हमने अपने घर वालों को बताया जाके, तो हमारे घर वालों ने हमें कहा कि नहीं, आप जिस धर्म में हो उसी धर्म में रहो, धर्म चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जी, आपके द्वारा एक थाना सिविल लाइंस में शिकायत की गई थी, आज गिरफ्तारी हुई है उसमें, क्या कुछ कहेंगी? सर, मैं यही कहूँगी कि मुझे बहुत अच्छा लगा इनकी गिरफ्तारी हुई, बहुत जल्दी से एक्शन लिया गया, और बस यही चाहूँगी मैं सर। जी, आपके बेटे इस लैक्मे एकेडमी में पढ़ते थे, क्या पूरा प्रकरण था, क्या डिस्टर्ब थे, उन्होंने आपको बताया था? हाँ, आज कार्यवाही हुई है, क्या कुछ कहेंगे? यही कहना चाहूँगी कि जैसा हमारे संग हम लोग संग में हुआ है, ऐसा किसी के संग में नहीं हो, और हम खुश हैं और यही चाहते हैं कि इसकी जल्दी जल्दी अच्छे से कार्रवाई हो और इसको बंद करा जाए। एकेडमी को लेकर क्या कुछ कहेंगे? एकेडमी को लेकर के मैं यही चाहूँगी, लैक्मे एकेडमी बंद होनी चाहिए, और ये तो धर्म परिवर्तन कुछ नहीं पता क्या क्या करेगी। मुरादाबाद जनपद के सिविल लाइन्स थाने में पुलिस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें रक्षंदा खान और उनके पति को गिरफ्तार किया गया है। कई गंभीर आरोप इस पूरे प्रकरण में लगाए गए थे। पुलिस के द्वारा इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की गई है, जिसके बाद शिकायतकर्ताओं से जब बात की गई है तो उनके द्वारा कहा गया है मुरादाबाद पुलिस के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।